हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे ये आइवरी पेपर। तो ये 210 GSM का आइवरी पेपर है। ये मैंने मार्केट से भी परचेज किया है, इसे अमेजोन से ऑर्डर नहीं किया है। तो ये लोटस कंपनी का आप देख सकते हो आइवरी पेपर है 210 GSM एंड ये है A3 साइज़ में। तो ये आप देख सकते हो कुछ इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा साइज़ है इसका। तो A3 साइज़ तो ऑलमोस्ट A4 के डबल साइज़ का ही है एंड ये 297 mm इंटू 420 mm इसका साइज़ है एंड इसमें 25 शीट्स मिलती हैं। एंड इसका प्रिंट रेट आप देख सकते हो 192 है, लेकिन ये मार्केट से मुझे मिला है 120 में। लेकिन अगर मैं आइवरी पेपर को ऑर्डर करती अमेजोन से तो मुझे इससे भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता। तो मार्केट से आप बाय कर सकते हो किसी भी स्टेशनरी की शॉप से। तो अब इस पैकेट को ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें कितनी शीट्स हैं और शीट्स का कैसा टेक्स्चर है। एंड मैंने जब से ड्राइंग करना स्टार्ट किया है, पहले तो मैं नॉर्मल पेपर यूज़ करती थी, जो नॉर्मल ड्राइंग का 1-2 rupees की शीट आती है वो। एंड उसके बाद मैं यही पेपर यूज़ कर रही हूँ, आइवरी पेपर ही। एंड बिगिनर्स के लिए ये तो बेस्ट है, वो तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो इस तरह की कुछ शीट है एंड ये बिल्कुल वाइट कलर की शीट होती है। आप देखोगे कि जो नॉर्मल शीट्स होती है ड्राॅइंग शीट्स, वो येलो सा टेक्स्चर होता है उसमें, लेकिन ये प्रॉपर वाइट कलर की शीट होती है एंड बहुत ही स्मूथ होती है ये वाली शीट। एंड ये नॉर्मल पेपर के कंपैरेटिव थोड़ी सी थिक भी होती है, क्योंकि इसमें जो लेयर्स होती हैं पेपर की वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। आपने देखा हो जो नॉर्मल पेपर होता है वो काफ़ी थिन होता है एंड इजीली वो फट भी जाता है, लेकिन ये पेपर थोड़ा हार्ड भी है एंड थोड़ा थिक भी है दूसरे पेपर के कंपेरिजन में। एंड ये A3 साइज़ है तो काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो ये स्केल है ऑलमोस्ट 30 cm, तो पूरा 30 cm से भी ज़्यादा का इसका जो साइज़ है। एंड A4 साइज़ से ये ऑलमोस्ट डबल होता है, ये आप देख सकते हो। ये मेरे पास A4 साइज़ की भी शीट्स हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं। तो इसमें भी 25 शीट्स मिलती हैं, लेकिन ये वाला शीट्स का पैकेट होता है 60 rupees का एंड A3 साइज़ का होता है 120 का। तो ये आप देख सकते हो A4 साइज़ की शीट है एंड इस A3 में से आप 2 शीट्स निकाल सकते हो A4 साइज़ की। एंड क्योंकि मेरे पास अभी जो A4 साइज़ की शीट्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो मैं इसी को कट कर रही हूँ। इसको मैं A4 साइज़ में भी कट करके ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसे मैं A4 साइज़ में भी कट कर रही हूँ। एंड जल्दी से इस पर हम देख लेते हैं कि इस पर ड्राइंग कैसी होती है। तो कुछ स्केचेस मैंने इस पर पहले से भी ड्रॉ करके रखे हुए हैं, कुछ स्केचेस खाती हूँ जो मैंने ये वाले पेपर पे ड्रॉ किए हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप डेफिनेटली इस पेपर को बाय कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है एंड आपको क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।